गैस तो ये देखो, ये सब्जी है, ये रोटी, और ये जो ककुम्बर, और ये दाल। दाल में जो पानी आप इग्नोर करना, इसमें पानी है वो इग्नोर करना, बाकी नीचे जो वो दाल है देख लो, तो ऐसे खाना होता है। गैस तो देखो, पहले जो ऊपर से इसमें पानी को निकला जाता है, उसके बाद अच्छी सी जो दाल आती है इसके अंदर, उसको ऐसे डाला जाता है, क्योंकि जो नीचे होता है वही माल माल होता है। आप देखना अभी, देखो ऊपर पानी पानी है, अभी तक नहीं है, देखो दाल है ही नहीं इसमें, इसमें सब कुछ पानी है, थोड़ी सी दाल है इसमें, नीचे रह गई है तो वो भी हम डालेंगे अभी। देखो देखो अभी नीचे जो दाल आ गई, देखो है ना। तो बस ऐसा हाल होता है यहाँ पर। अगर आपको फार्मिंग में जो पता होगा कि कैसे यहाँ पर खाना होता है, तो बस आप कोई भी शॉप होती है वहाँ से लेकर आओ, तो ऐसा ही खाना निकलता है, कहीं पर भी अच्छा नहीं मिलता है। गैस तो अभी जो वो जैक के अंदर, सॉरी ये जो ग्रीस जैक होता है उसके अंदर हम जो ऑयल, सॉरी ये ग्रीस बोलते हैं इसको, ये देखो ग्रीस है पूरा, जैसे भी कंपनी से ही फ्री आया था। अभी जो ये रहा, अभी ये कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इसका अंदर का आता है, वो अभी आपको दिखाऊंगा, इसको अंदर ऐसे डाल लेगा, फिर एक दो और तीन, देखो हो गया, और इसको ऐसे खींच लो, फिर ऐसे यहाँ पर नीचे भी होता है, यहाँ पर भी इसको ऐसे डाला, फिर एक, ये दो और ये तीन, हाँ अभी कंप्लीट। बस ऐसे तीन तीन पंप जो मारते रहना है, और यहाँ पर भी अभी थोड़ा बहुत है, अंदर डाला, फिर एक दो और तीन हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ही नीचे है, अभी तो यहाँ पर नीचे अभी है, तो यहाँ पर इसको ऐसे अंदर डाला, फिर एक दो और ये तीन, नहीं मुझे लग रहा है ये किसी जो खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है। तो देखो ऐसे जो यहाँ पर आग लगाई गई, एंड ये जो तपेली को यहाँ पर रखा गया, अभी इससे जो वो धीमे धीमे ऐसे करेंगे, तो अभी देखो ये चाय ने जो वो अच्छा सा कलर पकड़ना स्टार्ट कर दिया। ये पकड़ो तुम, हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी ये जो वो एक तो बहुत ही आसानी से बुझ जाएगा, क्योंकि हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है गाइस, यार बहुत ही ज़्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी। तो अभी दो मिनट में चाय पक जाएगी, क्योंकि अभी ये आग जो वो हमने ऐसी जगह पर लगाई है, और बहुत अच्छी जो ये लकड़ियाँ भी हमें मिल गई एकदम सूखी, तो आग एकदम पकड़ गई, और चाय में एकदम भी पानी नहीं है। पानी यार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, उतनी ही ये चाय जो है वो जल जाएगी यार। गैस तो ये जो जानवर है आप सामने की ओर जो वाइट वाइट देख रहे हो बर्ड है, उसने अभी जो शिकार किया, और शिकार में जो चूहा, हाँ चूहा खा गया, और चूहा इतना बड़ा था कि उसकी गर्दन में जो अटक गया है, अभी उसकी गर्दन देखो ऐसे हिल, सॉरी ऐसे जो नाच रहा है, अभी देखना आप, देखो 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 देखो, ये जो अपनी मुंडी हिला रहा है इसका मतलब वो चूहा जो है उसकी गर्दन में अभी फंस गया। मुझे लग रहा है कि उसकी हेल्प करने जाना चाहिए, और 108 को फ़ोन कर दिया है, वो भी आ रही है, इमरजेंसी टीम भी आ रही है, और साथ में दो डॉक्टर एक नर्स वो भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी ऑपरेशन होगा जेसीबी के अंदर, तो ऐसा कुछ कार्य करने वाले हैं, एंड ये जो अच्छा काम होता है पक्षियों को बचाना, तो 108 को फ़ोन कर दिया है, अभी जस्ट वो पहुँच ही रहे। देखो अभी जो उसकी गर्दन एकदम अटक गई। गैस तो अभी जो नीचे आ चुका है हमारा जेसीबी, एंड वहाँ पर जो हनीबीस यार अभी भी उड़ रही है, क्योंकि अभी जो ये झाड़ हमने गिरा दिया तो उसमें बैठा हुआ था, तो यार अभी हमारी मजबूरी है, हम ना गिरे तो जो काम अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हमें जो वो झाड़ को गिराना ही पड़ता है। एंड हनीबीस उड़ रही है, तो मुझे जो उससे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे जो उससे एलर्जी है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं जो नीचे उतर गया, अक्सर मैं जो जैसे भी नीचे उतरता है तो उसमें जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो डर बहुत ही ज़्यादा लगता है इसलिए। एक्स्ट्रा है।
ये देखो हमारा मुरुबा है। वाह मुरुबा, वाह वाह। ये हमारा ड्राइवर है और ये जो ड्राइवर है वो 48 आवर्स तक जो वो जेसीबी को चला सकते हैं और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर पकड़ा हुआ है एंड